हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सीबीएसई ने जो सीटेट का एग्ज़ाम लिया था दिसंबर 2019 का, उसकी आंसर की और आपकी ओएमआर जो आंसर की आपने रिलीज सबमिट की थी, वो दोनों जारी कर दी हैं। तो दोस्तों, आप अपनी आंसर की CTET.NIC.IN की वेबसाइट पर 23/12/2019 यानी कि आज से लेकर के 25/12/2019 को रात 12 बजे तक ही देख सकते हैं। अब की बार CBSE ने यह भी किया है कि जो आपने अपनी OMR सीट फिल करके CBSE को सबमिट की थी, उसकी भी एक स्कैन कॉपी आपको उपलब्ध होगी, जिससे आपको आंसर की मैच करने में ईजी रहेगा। काफ़ी सारे बच्चे कि ये शिकायत रहती थी कि उन्हें याद नहीं कि उन्होंने कौन सा आंसर फिल किया है, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर पे टिक नहीं करते थे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी बॉक्स चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपको हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, www.CTET.NIC.IN की वेबसाइट पर जाकर के आप 23/12 से लेकर के 25/12 के बीच में अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो आप ₹1000 के हिसाब से आप फीस पे करके अपना क्वेश्चन ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अगर बोर्ड को लगता है कि आपका ऑब्जेक्शन ठीक है तो आपका क्वेश्चन भी करेक्ट होगा, आपको मार्क्स भी मिलेंगे और इसके अलावा जो आप ₹1000 फीस पे करेंगे वो भी आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो आप अपनी फ़ीस पे करें वो ये हो कि आप अपने ही डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे करें, क्योंकि जो ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा फ़ी रिफ़ंड करने का, वो उसी अकाउंट में रहेगा। तो दोस्तों, अगर किसी को रिज़ल्ट देखने में कोई प्रॉब्लम आती है, हालांकि अभी 28 लाख बच्चों ने पेपर दिया था तो सर्वर थोड़ा बिजी रहने की संभावना है, तो इसलिए आप शाम को या लेट नाइट भी आराम से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी आती है तो वो स्टडी बॉक्स हेल्पलाइन, जी हाँ, आपके अपने यूट्यूब चैनल का हेल्पलाइन नंबर है स्टडी बॉक्स हेल्पलाइन, इस पर आप अपनी मेल कर सकते हैं, आपकी सारी हेल्प की जाएगी। आप देख रहे थे स्टडी बॉक्स चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपको हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी इस लेटेस्ट जानकारी का लाभ जल्दी से जल्दी उठा सके। ये नोटिस कल रात को CBSE ने उपलब्ध कराया था और आंसर की आज आपके सामने है। 8 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 28 लाख के करीब बच्चों अपीयर हुए थे। टोटल 150 मार्क्स का पेपर वन और 150 मार्क्स का पेपर टू हुआ था, जिसमें जनरल कैंडिडेट्स को मिनिमम 60% क्वालिफाइंग के साथ 90 मार्क्स लेना अनिवार्य है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा और आप लोगों का एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया होगा। आप देख रहे थे स्टडी बॉक्स चैनल। वीडियोज़ को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।